चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने उसके पड़ोसी देशों से नजदीकी बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारत वियतनाम को जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल बेचने की तैयारी में है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। वहीं चीन भी इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि चीन लगातार भारत को NSG का सदस्य बनने में रोड़ा अटकाता रहा है। इसके अलावा पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को भी संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर चीन अड़ंगा लगाता रहा है। चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ाई हैं, जिसके जवाब में भारत तेजी से चीन के आसपास के देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। जापान और वियतनाम के साथ भारत की रणनीति और सैन्य साझेदारी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं भारत इस साल सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से वियतनाम के फाइटर पायलट्स को प्रशिक्षण भी देगा। भारत और वियतनाम के बीच जुलाई 2007 में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने को लेकर समझौता हुआ था। पिछले साल सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इसे विस्तार दिया गया था। चीन ने शुरू से ही भारत पर निशाना साधने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया है। अब जब भारत उसके पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत कर रहा है, तो चीन की बौखलाहट लाजमी है। देखते रहिए DB Live।